अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, आज मैं आपको टिंडे की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी, जो बहुत सिंपल और सादा है और बहुत कम अज्जा से तैयार होती है। सबसे पहले मैं इसके लिए तकरीबन ऑयल लेगी, ऑयल तकरीबन एक बड़ी बोतल, ऑयल को हम गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे प्याज, जो कि दरमियाने चार अदर है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी नरम करना है। इसके साथ ही हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा। कुछ देर हमें प्याज को पकाना होगा और थोड़ी नरम करनी होगी। थोड़े से प्याज नरम हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को नरम करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे छील कर धुले हुए और कटे हुए टिंडे, जो कि आधा किलो से कुछ ज़्यादा है। इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून धनिया, धनी का पाउडर, आधा टीस्पून ही हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये हरी मिर्च तकरीबन 8 से 10 अदर हैं, जो छोटी हैं मैंने लंबाई में काट ली हैं। इनको डालकर थोड़ा सा हम मिलाएंगे। इस सब्जी में लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाएंगी, ये सिर्फ हरी मिर्चों का ही बनेगा। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी सालन बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और इसे ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमारे टिंडे बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ी सी आंच बढ़ा कर उनके पानी को खुश्क कर लेंगे। कुछ देर हिलाने के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है। हमें ऐसे ही ये सब्जी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया डालेंगे। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये डिश आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।